हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी. टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर सर्कल्स, क्लास 9th. स्टूडेंट, आज हम सर्कल चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आज हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक सर्कल है और क्वेश्चन में ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स. ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल सच दैट ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, सी डी 32 सेंटीमीटर. एंड ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी. इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 4 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी के बिटवीन जो डिस्टेंस है क्यू पी 4 सेंटीमीटर. स्टूडेंट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. स्टूडेंट, हमें इस सर्कल की रेडियस को फाइंड करना है. और इसके लिए देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी किया. हमने ओ को सी से ज्वाइन करा दिया, ओ को ए से भी ज्वाइन करा दिया स्टूडेंट. और ये दोनों ही रेडियस को शो कर रहे हैं. और ये रेडियस जो है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. यहाँ पर आर, क्लियर. अब देखिए स्टूडेंट, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, सेंटर से जो परपेंडिकुलर कोर्ड पर आता है वो कोर्ड को बाइसेक्ट कर देता है. ऐसी हमने थ्योरम डिस्कस की थी स्टूडेंट. सो ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू हाफ ए बी. और ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट, ये 24 है, देखिए 24 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर. तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ए पी 12 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है स्टूडेंट. सेम इसी टाइप से देखिए सी डी, तो सी क्यू ओ क्यू परपेंडिकुलर, ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, देन सी क्यू इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू हाफ सी डी 16 सेंटीमीटर. ये यहाँ से 16 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट. सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमने सी क्यू फाइंड कर लिया है, सी डी का हाफ, ए पी हाफ ए बी. और अब देखिए, हमें यहाँ पर जो रेडियस है ओ सी या ओ ए, ये क्योंकि सेंटर से जब हम कोर्ड के ये जो पॉइंट सी और ए को ज्वाइन करा रहे हैं, तो जो रेडियस हमें शो कर रहे हैं ये रेडियस इक्वली होती हैं सेंटर की से. जब हम डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस का फाइंड करते हैं तो वो इक्वली होता है, रेडियस होता है स्टूडेंट. तो हमें यहाँ पर रेडियस ही ये फाइंड करनी है. और इसके लिए देखिए, स्टूडेंट ये ओ क्यू जो है, डिस्टेंस हमें यहाँ पर अभी नहीं पता है. और इस ओ क्यू को हम मान लेते हैं ये एक्स है, ये एक्स है. और इस एक्स की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी होगी. लेट ओ क्यू इक्वल टू एक्स, ओ सी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू आर. क्लियर स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, सबसे पहले ट्राइंगल ओ ए पी में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी यूज पाइथागोरस.
प्रॉपर्टी ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए आर का होल स्क्वायर, ए पी 12, ओ पी देखिए स्टूडेंट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो आर स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर 144 स्टूडेंट, और x प्लस 4 का होल स्क्वायर यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। देन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। क्लियर स्टूडेंट? सो r स्क्वायर इक्वल टू 144 और 16 160 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x। इक्वेशन फर्स्ट, ये जो हमें रिलेशन मिला है स्टूडेंट, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया है। सेम इसी तरीके से ट्रायंगल ओ ओ क्यू सी में भी हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट। ओ क्यू सी OQC में भी स्टूडेंट OC स्क्वायर हाइपोटेनस CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। R का होल स्क्वायर CQ, CQ स्टूडेंट 16, OQ X का होल स्क्वायर। सो R स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 16 स्टूडेंट कितना होता है बताइए? 256 प्लस एक्स स्क्वायर। देन वी फाइंड इक्वेशन सेकंड, ये जो हमें मिली है इक्वेशन, इसको हमने सेकंड नाम दिया। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो हमें मिली हैं, दोनों में ही हमें आर स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू मिली है, और आर स्क्वायर मीन्स रेडियस। अब सर्कल की रेडियस तो इक्वल ही होती है, आप कहीं से भी बनाइए, तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वल में शो करें या रखें और कंपेयर करें, तब हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल में रखते हैं और तब देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। देखिए इक्वेशन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर स्टूडेंट आर स्क्वायर तो वैल्यू दोनों में ही है और उन वैल्यू को हमें इक्वल में रखना है, तो यहाँ पर है 160 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल में जो दूसरी इक्वेशन थी स्टूडेंट 256 प्लस एक्स स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पर कैंसिल किया, 8x इक्वल टू 256 माइनस 160, 8x इक्वल टू 696 और x इक्वल टू 96 अपॉन 8 12। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है 12 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू OQ हमें मिल चुकी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर जब x की वैल्यू मिल चुकी है, तो अगर हम इस वैल्यू को
इक्वेशन सेकंड में अगर हम पुट करते हैं तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, आर स्क्वायर मीन्स रेडियस हमें मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड में जब पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, r स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 12 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 144, आर स्क्वायर इक्वल टू 400, देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 400, और स्क्वायर रूट 400 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 20, क्लियर। सो स्टूडेंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, और यहाँ पर देखिए हमें रेडियस ये फाइंड करनी थी, हमने रेडियस फाइंड कर ली है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आज। सो स्टूडेंट आई होप दैट कि आज ये क्वेश्चन बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं आपके साथ स्पेशली आज सोचा इसको डिस्कस करते हैं, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।